हाय एवरीवन, वेलकम टू करण क्रंच। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसका जो स्टार्टिंग पोर्शन है ह्यूमन राइट्स का, वो ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसके एवोल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एंड जो इसका सेकेंड पोर्शन है, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वो आपके यूनिट थर्ड का चैप्टर है। वो भी हम इन्हीं वीडियोज में कवर कर लेंगे, यूनिट टू में ही। तो फिर इन वीडियोज से आपका यूनिट टू का ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर एंड यूनिट थर्ड के आपके दो चैप्टर्स, दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए और टेस्ट सीरीज आपको फ्री में चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां पे मैं पीडीएफ्स वगैरह एंड टेस्ट सीरीज अपलोड करती हूँ। रिसेंटली मैंने पार्ट सिक्स का, आपका जो स्कीम्स वाला पार्ट है यूनिट सिक्स, उसका पार्ट वन भी टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड किया, तो वहां से आप डाउनलोड करके वो सारी स्कीम्स देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, एज आई ऑलवेज से, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ठीक है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्जाम को लेके या इन वीडियोस को लेके, मेरे सब्जेक्ट को लेके, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं currentcrunch411@gmail.com पे। तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स, ये हमारा हो गया था, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको सारा दे दिया था। एंड अभी भी हमने एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन, ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन कैसे हुआ था ह्यूमन राइट का, अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं। अभी हम बस एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं कि बैकग्राउंड स्टोरी क्या चल रही थी। उसके बाद नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या होता है, ये भी, इसका नेचर वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिया था। एंड एवोल्यूशन ऑफ राइट्स डोमेस्टिक लेवल पे कैसे हुआ, ठीक है, वो भी हो गया था हमारा। एंड इंटरनेशनली क्या इवेंट्स हो रहे थे, ये सारी चीज़ें, आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें, यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स, मैग्ना कार्टा, ये भी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ये सारी बातें हो गई थी। इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, क्या क्या जो रिटन गारंटी चाहिए थी ह्यूमन फ्रीडम की, उसको लेके क्या क्या हमारे पास जो है डिक्लेरेशंस वो थे, अमेरिकन फ्रेंच, ठीक है, ये सारी चीज़ें, अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड एज द अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स, ये भी कवर हो गया। ह्यूमन राइट्स अभी भी, हमने इतना सब पढ़ के भी अभी तक हम ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन पे नहीं आए हैं। अभी तक हमें यही पता है कि ह्यूमन राइट्स अभी भी यूनिवर्सल नहीं हुए थे। तो क्या सारी चीज़ें चल रही थी पीछे, कौन से इंटरनेशनल एफर्ट्स लाए गए थे टू डेवलप ह्यूमन राइट्स, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो मेजर लैंडमार्क्स रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट एट द इंटरनेशनल लेवल, कि अब ह्यूमन राइट्स की जो बातें हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक पार्ट बन गई। तो उसमें क्या क्या चीज़ें थी जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया। एक तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, ये हो गया था इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसके हमने चार जेनीवा कन्वेंशन ये पढ़ लिए थे, एंड एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। आज देखते हैं हमें क्या देखना है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स जो है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेके आया था, जिसका प्राइमरी गोल क्या है, प्राइमरी गोल क्या है इसका, इम्प्रूव करना वर्किंग कंडीशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस वर्ल्ड वाइड। तो कौन सी वर्किंग कंडीशन, जो भी आपका ये लेबर क्लास है, ये जिन कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जैसे कितने नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करना चाहिए, कितना वेज इनको मिलना चाहिए, एक डिसेंट एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, या जो भी कंट्री इसका पार्ट है जो इम्प्लीमेंट करेंगे स्टैंडर्ड्स, उनको टेक्निकल हेल्प मिलनी चाहिए। तो उस चीज़ को एक स्ट्रक्चर देने के लिए हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस में है सिंस 1919 और 1946 से एजेंसी जो है, इट बिकेम अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिक एक्शन, बेसिस ऑफ आईएलओ एक्शन जो है फॉर ह्यूमन राइट, इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड द सुपरविजन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स बाई द आईएलओ मेंबर स्टेट्स। तो इसमें या तो इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हो, एक तो इस्टैब्लिश किया गया इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होंगे, लोगों का हर कंट्री को फॉलो करने होंगे, अपने लेबर लॉज के साथ उनको मिक्सअप करना होगा और अकॉर्डिंगली अपने कंट्री के लेबर लॉज स्ट्रक्चर करने होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया ये कर रही है, लेबर लॉज बना रही है, तो उसको देखना होगा इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड ने लेबर के डिफरेंट लॉज के बारे में क्या बात करी है, ठीक है। तो वैसे ही लेबर लॉज उनको अपनी कंट्री के लिए इम्प्लीमेंट करने होंगे। एक तो इन स्टैंडर्ड्स की इस्टैब्लिशमेंट, प्लस सुपरविजन की वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं ये स्टैंडर्ड्स की नहीं, ठीक है। तो ये सारे किसके अंडर आता है, आपके इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के अंडर। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से क्या हो रहा था, आपका जो ह्यूमन राइट्स है उसकी बातें आपके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट बनती जा रही थी। क्योंकि लेबर्स का काम सही से रहना, ठीक है, उनको डिसेंट एनवायरमेंट प्रोवाइड करना, उनके लिए अच्छे लॉज लेके आना जो उनके हक में हो, वो भी कंसिडर किया जाता है पार्ट ऑफ योर ह्यूमन राइट। लास्टली, ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज अंडर द लीग ऑफ नेशन। अब देखो, लीग ऑफ नेशंस क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनी थी आपके वर्ल्ड वॉर वन के बाद, ठीक है,
आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, और ये क्यों बनी थी? वर्ल्ड वॉर में यूजुअली क्या होता है, डिस्ट्रक्शन मास स्केल का होता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है. अब फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो और जो कंट्रीज हैं वो डिसआर्ममेंट प्रैक्टिस करें, दिस ग्लोबल डिसआर्ममेंट हो. डिसआर्ममेंट क्या होता है कि आपके जो मिलिट्री है, वेपनरी है, वो सारी चीजें आपने जो रखी है वॉर्स के लिए, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी कंट्री से खत्म कर दो ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई वॉर ना हो. उसी ग्लोबल डिसआर्ममेंट को प्रमोट करने के लिए आपका लीग ऑफ नेशंस बना था. तो अब आप मुझे बोलो, आपको पता है हमने दो वॉर्स पढ़ी हैं हिस्ट्री में, हम पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, क्या लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल था? लॉजिकल आंसर आप दो. तो क्या आपको लगता है सक्सेसफुल था? ऑब्वियसली नहीं था. क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद ये बना था, बट इट फेल्ड टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. उस क्योंकि इसका मैंडेट था कि ग्लोबल डिसआर्ममेंट हो और ऐसा कोई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है इतने बड़े लेवल का ना हो. लेकिन ये यहाँ पे फेल हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी हमें वर्ल्ड वॉर टू देखने को मिला. एंड इसके फेलियर की वजह से क्या हुआ था? अब वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमें अगेन वी नीडेड सम बॉडी जो काम करेगी इस चीज पे, सुपरवाइज करेगी, ओवरलुक करेगी कि डिसआर्ममेंट, ग्लोबल डिसआर्ममेंट हो रही है या नहीं, ठीक है, और लोग जो हैं ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से अवॉइड करें कंट्रीज, उस चीज के लिए हमें कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थी. तो हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनी थी उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. तो आप बोल सकते हो जो आपका ये लीग ऑफ नेशंस था ये प्रीकर्सर था टू यूनाइटेड नेशन, जो वर्ल्ड वॉर वन के पहले बना था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद बना था, एंड देन वर्ल्ड वॉर टू के बाद आपका क्या बना था? यूनाइटेड नेशंस बना था. उन्हीं इस पे पर्पज, वही था पर्पज उनका बेसिकली, कि उनको प्रमोट करना है ऐसी कोई भी आगे लड़ाई ना हो, उस चीज को उनको देखना है और ग्लोबल डिसआर्ममेंट सही से हो रही है कि नहीं, उस चीज को उनको प्रमोट करना है, ठीक है. तो ये हुआ आपका थोड़ा यूनाइटेड नेशन का एंड लीग ऑफ नेशंस का. तो इसको कंसिडर किया जाता है ऑफन एज ए प्रीकर्सर टू यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन से पहले बना था. अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज किसके अंडर था? ये एक लीग ऑफ नेशंस के अंडर प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज की बात भी की थी, और ये आया था गिवन अ मैंडेट टू सुपरवाइज द एनफोर्समेंट ऑफ माइनॉरिटीज ट्रीटीज. जो कहाँ पे आया था ये? माइनॉरिटी ट्रीटीज आई थी, सीरीज ऑफ ट्रीटीज, ठीक है, और ये आई थी इमर्ज फ्रॉम द पीस अग्रीमेंट जो हुए थे आपके ईस्टर्न यूरोप एंड बाल्कन स्टेट्स में. बाल्कन स्टेट्स कौन सी होती है? वो आपके साउथ ईस्ट यूरोप का पार्ट है, ठीक है. अगर ये कंसिडर करो आप यूरोप है, ऑल्दो ऐसा नहीं है पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट हम कंसिडर करेंगे ये आपका यूरोप है, ठीक है. तो ये इसके ईस्टर्न वर्ल्ड हुआ ईस्टर्न यूरोप, ये इसका वेस्ट है, ठीक, ये यू नो साउथ है एंड ये नॉर्थ है. तो ये जो पीस अग्रीमेंट्स हुई थी काफी, ये ईस्टर्न यूरोप के बीच में एंड बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स यूजली आपका साउथ ईस्ट वाला यूरोप आता है, ठीक है. तो यहाँ इनके बीच में पीस ट्रीटीज हुई थी. बाल्कन स्टेट्स में आपकी कौन सी कंट्रीज आती है? इनको हम बाल्कन पेनिनसुला का पार्ट बोलते हैं, आपका अल्जीरिया, अल्बेनिया, सर्बिया, कोसोवा, तो काफी कंट्रीज आती हैं. दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, आपको इतना डीप नहीं जाना है, बस आपको ये देखना है कि किस वजह से हम एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन राइट का. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन राइट्स जो है ये चीज कैसे आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनती गई. तो कुछ चीजें हो रही होंगी ना बैकग्राउंड में जिसकी वजह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें डिस्कस हम कर रहे थे, होने लगे, ठीक है, डिस्कशन होने लगे, तो हम वही चीजें देख रहे हैं. फाइन, ये मैं आपको बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसके एवोल्यूशन में कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि अभी तक हम यहाँ नहीं पहुंचे कि ऑफिशियली प्रोक्लेम किया गया. तो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, लीग ऑफ नेशंस ने इसकी भी बात की थी, वो कहाँ से आया था? एनफोर्समेंट ऑफ माइनॉरिटी ट्रीटीज जो हुई थी फ्रॉम 1919, पीस अग्रीमेंट्स विद ईस्ट यूरोपियन एंड बाल्कन स्टेट्स. इन ट्रीटीज में प्रोविजन था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज का, कि जो भी माइनॉरिटी है उनको आपको प्रोटेक्ट करना है. द लीग अग्री टू सर्व एज अ गारंटर ऑफ द अंडरटेकिंग्स दैट पार्टीज अज्यूम्ड इन दिस ट्रीटीज, ठीक है. तो जो भी पार्टीज में लिखा था, इन ट्रीटीज में जो भी लिखा था कैसे हमें प्रोटेक्शन करना है माइनॉरिटीज का, तो उसकी गारंटी कहाँ से आई? उसका गारंटर कौन बना? आपका लीग ऑफ नेशंस, ठीक है. तो यही सारी बातें इसमें, आगे चलते हैं. उससे पहले एक बार फिर से एक रिविजन कर लेते हैं यहाँ से हम. कुछ लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुई थी जिसने क्या किया था, ब्रॉट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑन द एजेंडा ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जिनकी वजह से ह्यूमन राइट्स जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई. अब वो क्या डेवलपमेंट थी? ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात हुई थी, ठीक है. अगर स्टेट, कोई भी कंट्री अगर अपने ही सिटीजन्स के अगेंस्ट लॉफुली कोई फोर्स ये करे यूज, तो बाकी स्टेट्स उस पर एतराज जाहिर करेंगे, अकॉर्डिंगली ग्लोबल डेवलपमेंट्स उस रिगार्डिंग होंगी. एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज
ठीक है, ये हमने पढ़ लिए अलग अलग लॉ जिसके अंडर फोर जेनिवा कन्वेंशन हमने देखे, देन अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो ये सारी चीजें क्या है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हो रही थी, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट किए गए एंड माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन की बातें की गई। तो इन सब चीजों से क्या हुआ, अब ह्यूमन राइट्स को क्या मिला, एक कलर मिला कि वो ग्लोबल पॉलिटिक्स बोल दो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या वर्ल्ड पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने लगे। ठीक है, अब ह्यूमन राइट्स जो है ये सिर्फ अब बातें नहीं रही, अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है वो कंट्रीज बैठ के इस बातें बारे में डिस्कशन करने लगे हमें ह्यूमन राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। अब देखो थोड़ा और हम बैकग्राउंड की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स एंड नेचुरल राइट्स। जो टर्म है ह्यूमन राइट रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि एवरी मेंबर ऑफ ह्यूमन रेस है उनको कुछ सेट ऑफ बेसिक क्लेम्स जो है उनके सिंपली बाय वर्च्यू ऑफ हिज ह्यूमननेस। तो वो क्लेम्स उनके पास क्यों है, वो राइट उनके पास क्यों है, क्योंकि वो ह्यूमन्स हैं। यहाँ पे कंट्रीज की बात नहीं हो रही है, इनफैक्ट अगर आपको कोई कंट्री ह्यूमन राइट्स की बात नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल किसी एक्स वाई जी कंट्री के आप पार्ट हो, वहां पे ह्यूमन राइट्स का कोई ऐसा सीन नहीं है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई बात नहीं है, कोई लॉ नहीं बना हुआ है, लेकिन उस कंट्री पे भी आप ह्यूमन राइट्स जो है वो अब ये लॉज वगैरह आप उस कंट्री पे भी अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई इन द सेंस कि उस कंट्री को भी हक है इंटरनेशनली खुद के लिए ह्यूमन राइट्स के लिए वॉइस रेज करने की। ठीक, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, दे आर द क्लेम्स हेल्ड टू बिलोंग टू एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ एनी रियल प्रोविजन दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट फॉर हेम हिम इन अ पर्टिकुलर स्टेट। मीन्स उसकी कंट्री में अगर ये सारे प्रोविजन नहीं है तो भी जस्ट बिकॉज बाई वर्च्यू ऑफ हिज ह्यूमननेस उसको अथॉरिटी और राइट है इन ह्यूमन राइट्स पे। अर्लियर सेंचुरीज में दीज राइट्स वर कॉमनली स्पोकन ऑफ एज नेचुरल राइट्स और राइट्स ऑफ मैन। पहले इनको क्या बोला जाता था, अर्ली सेंचुरीज में इनको नेचुरल राइट्स बोला जाता था, फिर ग्रेजुअली इसको ट्रांसफॉर्म करा गया किसमें, ह्यूमन राइट्स में। तो नेचुरल राइट्स की बात की हुई है वो आपको मिलेगा ग्रेटेस्ट हॉबीज एंड लॉ की जैसे उनकी राइटिंग्स में। ठीक है, तो नेचुरल लॉ में बेसिकली क्या है, नो वन ऑट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ हेल्थ लिबर्टी और पोजेशंस। कि अब जबरदस्ती किसी की लाइफ हेल्थ उसकी फ्रीडम लिबर्टी और उसके पोजेशन दैट मीन उसकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आप कोई अटैक नहीं कर सकते हो, दिस इज नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ दैट मीन्स अगर आप बहुत अर्ली सोसाइटीज की बात कर रहे हो जहाँ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, रूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पे भी बाय नेचुरल लॉ बाय कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। इतना बेसिक आपको पता है कि आप किसी की जान नहीं ले सकते, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है वो हर किसी के पास है इस दुनिया में। ये जो थियोरी है गॉट इट्स क्लासिकल एक्सप्रेशन इन द राइटिंग्स ऑफ जॉन लॉके इन हिज बुक द टू ट्रीटीज ऑन द गवर्नमेंट। लॉके टर्म द राइट्स ऑफ राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड एस्टेट एज नेचुरल राइट। तो ये भी आप याद रख सकते हो, लॉके ने नेचुरल राइट किसको कहा, राइट टर्म द राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड एस्टेट, एस्टेट होता है आपकी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसको इन्होंने नेचुरल राइट्स कहा। ठीक है, तो अगर आपकी कंट्री में ऐसा कोई अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ह्यूमन राइट का, लेकिन नेचुरल राइट है कि कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, कोई किसी की आज़ादी नहीं छीन सकता, कोई किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, घर से बाहर नहीं निकलो, या कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी कौन सी चीज़ें हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको नेचर ने दी हैं और ये आपके क्या फॉर्म करता है, आपका नेचुरल राइट। अकॉर्डिंग टू मैकफैडलेन जो ह्यूमन राइट्स हैं, दे आर दोज मॉरल राइट्स विच बिलोंग टू ईच मैन एंड वुमेन सोली बाय रीजन ऑफ बींग अ ह्यूमन बींग। ठीक है, ये मैकफैडलेन ने कहा था क्योंकि वो ह्यूमन बींग है तो उनके पास ये राइट होना चाहिए। दे आर पोजेस्ड बाय द ह्यूमन बींग सिंपली एज ह्यूमन बींग्स इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट दैट दे बिलोंग टू एनी स्टेट सोसाइटी रिलीजन रेस और रिलीजियस फेथ। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, सोसाइटी के, रेस के, रिलीजियस फेथ के हों, उनके पास ये राइट है क्योंकि वो इंसान है। सिमिलरली अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच डिक्लेरेशन है, इन सारी चीज़ों ने एम्फिसाइज किया था अपॉन द राइट ऑफ मैन एज मैन एंड नॉट एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट। जैसे मैंने कहा आपके वो राइट्स इसलिए मिले हैं क्योंकि आप इंसान हो। अगर आप इक्वालिटी की बात करते हो, इस वजह से इक्वालिटी नहीं चाहिए कि आप किसी एक कंट्री का पार्ट हो, आपको इक्वालिटी इसीलिए चाहिए क्योंकि आप ह्यूमन बींग हो, आपको दूसरे के इक्वल समझना समझा जाना चाहिए, चाहे आप ब्लैक हो, चाहे आप वाइट हो, ब्राउन हो, किसी भी रेस के हो, किसी भी कलर के हो, बट आप सबको क्या, आप सब क्या हो आपस में, इक्वल, बिकॉज यू ऑल आर बॉर्न इक्वल, बॉर्न इक्वल। 17th एंड 18th सेंचुरी डिक्लेरेशन ऑफ नेचुरल राइट्स उनको मैच किया गया फाइनली 20th सेंचुरी बाय द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय यूनाइटेड नेशन एंड द वेरियस अदर यूएन कॉवेनेंट्स एंड कन्वेंशंस दैट फॉलोड। ठीक है,
इस चीज को क्या मतलब हुआ, 17th एंड 18th सेंचुरी में जैसे मैंने कहा नेचुरल राइट्स की बात हुई, इसको फाइनली मैच किया गया 20th सेंचुरी में, जो डिक्लेरेशन लाया गया ह्यूमन राइट्स के लिए वो किसने लाया, बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है, और बाकी अग्रीमेंट्स बाय यूएन, कोवेनेंट्स जो अग्रीमेंट या जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनसे, इन अग्रीमेंट और इन लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है, इन सारी चीजों से क्या हो रहा था, ह्यूमन राइट्स को एक ऑफिशियल प्रोक्लेमेशन जो है वो मिल रहा था. ह्यूमन राइट्स को आप बोल सकते हो दस दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स, जो हमने बोला पहले डिस्कस करा ये वाली थियरी यहाँ पे जो हमने इसकी बात की थी, ये द थियरी ऑफ नेचुरल राइट इमर्ज इन 17th सेंचुरी, ठीक है. तो आप बोल सकते हो जो आपके ह्यूमन राइट्स है वो इसके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है, वो कहाँ से आए, आपके नेचुरल राइट से आए. द ह्यूमन राइट्स इंट्रोड्यूस्ड इमिडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बाय द न्यूली फॉर्म यूनाइटेड नेशन. मैंने कहा जैसे लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर वन के बाद बना था एंड यूनाइटेड नेशन आपका वर्ल्ड वॉर टू के बाद बना था. दे वर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिवल्शन अगेंस्ट द जीनोसाइडल पॉलिसीज फॉलोड बाय द हिटलर रेजीम. वो सारी जीनोसाइडल पॉलिसीज कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू के अराउंड, ठीक है. आपको उतना वर्ल्ड वॉर टू तो नहीं पढ़ना, इसलिए आप बस इतनी हल्की हल्की बातें याद रखो. नूर्नबर्ग ट्रायल हुए थे, ये भी आपके इसी चीज से रिलेटेड थे. वर्ल्ड वॉर वन के बाद, जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो सारी एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ था, जिसमें जर्मन आर्मी, नाजी जर्मनी जिनको बोलते हैं, नाजी आर्मी, उनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है. तो जब ये सारा खत्म हो गया, सब सेटल डाउन हो गया, तो ये ट्रायल्स हुए थे जिनमें फिर उनको पनिश किया गया, क्योंकि उनके वॉर क्राइम्स के लेके और जो उन्होंने क्राइम किए थे अगेंस्ट पीस या अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो सारी बातें, ठीक है. और ये जो कब हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे. तो ये ट्रायल्स कब हुए थे, इसको आप बोल सकते हो मिलिट्री ट्रायल्स हैं जो हुए थे वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जिसमें इन सब लोगों को पनिश किया गया था, आपके मिलिट्री ऑफिशल्स वगैरह को जो नाजी जर्मनी को बिलोंग करते थे, जिन्होंने ये काफी ज्यादा वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड पीस करे थे, ठीक है. उन ट्रायल्स का नाम है नूर्नबर्ग ट्रायल्स. आप याद दिए, बस मैंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बोला, आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा. द नूर्नबर्ग ट्रायल ट्रिब्यूनल लेड डाउन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री दैट व्हेन इंटरनेशनल रूल्स दैट प्रोटेक्ट बेसिक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द स्टेट लॉज, एवरी इंडिविजुअल मस्ट ट्रांसग्रेस द स्टेट लॉ. अब नूर्नबर्ग ट्रायल आपको क्लियर हो गया, ये क्या था, ये ट्रायल्स थे मिलिट्री ऑफिशियल्स के अगेंस्ट जिन्होंने क्राइम्स किए थे, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट पीस या अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे. और ये ट्रायल्स कब हुए थे आपके, ये ट्रायल हुए थे आपके वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ठीक है. तो इन ट्रायल्स में ऐसा बोला गया था, अगर कोई इंटरनेशनल रूल जो प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को या ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को, वो अगर कॉन्फ्लिक्ट में है आपके स्टेट लॉज से, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक कंट्री को बिलोंग करते हो, अगेन एक्स वाई जी कंट्री को बिलोंग करते हो, और वहां पे आपके लिए कोई ऐसा लॉ है कि ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अग्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट और वॉर आप क्राइम्स जो है आपके लिए वो अलाउड है, परमिटेड है, आप वो क्राइम्स कर सकते हो, ये आपके कंट्री का लॉ है. बट दिस लॉ कम इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू. क्यों, इंटरनेशनली ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा कि इवन इन द टाइम्स ऑफ वॉर आपको कोई चीजें जो है दिमाग में रखनी है, आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी उस टाइम पे भी नहीं कर सकते हो, ज्यूरिंग वॉर भी आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो, या क्राइम अगेंस्ट पीस, ये ड्यूरिंग वॉर भी आपको ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, ये आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बोल रहे हैं. लेकिन आपके कंट्री के लॉज आपको बोल रहे हैं कि ठीक है उस टाइम पे आप क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी वगैरह ये अगर आप करोगे भी तो आप पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. अब न्यूरनबर्ग ट्रायल्स में क्या कहा गया कि अगर आपका जो स्टेट लॉ है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में, ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है आपके इंटरनेशनल लॉ के साथ, जैसे इस एग्जाम्पल में, क्योंकि आप उस टाइम पे भी ये क्राइम नहीं कर सकते थे कॉन्फ्लिक्ट में, तो हर इंडिविजुअल को ये परमिशन है कि वो अपने स्टेट लॉ को उस टाइम पे तोड़ सकता है. द इंडिविजुअल कैन गो बियॉन्ड द स्टेट लॉ, और वो फॉलो करेगा सिर्फ कौन सा लॉ, जो इंटरनेशनल रूल्स वाला लॉ है जो प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है बेसिक ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को. तो नूर्नबर्ग ट्रायल्स में बात कही गई. जो लीगल फ्रेमवर्क है ऑफ नूर्नबर्ग ट्रायल्स चैलेंज द प्रिंसिपल ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन एंड सबवर्टेड द नेशनल सॉवरेनिटी. सॉवरेनिटी अगर आपको याद होगा, मैंने पुराने वीडियोज में भी डिस्कस करा है, अगर कोई कंट्री सॉवरेन हम बोलते हैं, जैसे इंडिया हम बोलते हैं कि सॉवरेन है, इसका ये मतलब है जो भी लॉज इंडिया अपने लिए बनाती है
कोई भी मैटर हो इंडिया का अपना, उसमें किसी और कंट्री की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती है। ये खुद मुख्तार जिसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंट नेशन है इंडिया, एक सॉवरेन मुल्क है। दैट मीन्स किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस हमारे पर्सनल प्राइवेट मैटर्स में, अफेयर्स में नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नूरनबर्ग ट्रायल्स आया, इससे क्या हुआ, जो कि मिलिट्री डिसिप्लिन एक कंट्री का और नेशनल सॉवरेनिटी है एक कंट्री की, उसके अबव इन ट्रायल्स को रखा गया, उन्होंने चैलेंज किया इस प्रिंसिपल को। क्योंकि अगर नेशनल सॉवरेनिटी इस एक्स वाई जी कंट्री की है, वो भी सॉवरेन मुल्क है, और वो कहते हैं क्राइम्स परमिटेड है, लेकिन नूरनबर्ग ट्रायल आपको कहता है आपको ये चीज नहीं माननी है कि क्राइम्स परमिटेड है, आपको उस टाइम पे ये मानना है कि इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना बेसिक आपका जो है वो नेसेसिटी है। ठीक है, तो दैट मीन्स आप सॉवरेनिटी के प्रिंसिपल को चैलेंज कर रहे हो थ्रू दीज ट्रायल्स, ये इसके कहने का मतलब है। हाउ एवर कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल लॉ जो है एंडोर्स द पोजिशन टेकन बाय द ट्रिब्यूनल, उन्होंने इस चीज को जो है एडवोकेट और प्रमोट किया और एफर्म किया इट्स रिजेक्शन ऑफ द डिफेंस ऑफ ओबीडियंस टू द सुपीरियर ऑर्डर इन मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी, कि उस टाइम पे आपको रिजेक्ट करना है अगर आपको अपना जो कंट्री का डिफेंस है, मिलिट्री सिस्टम है, मिलिट्री डिसिप्लिन है, वो आपको कहता है कि क्राइम्स करो, लेकिन उस टाइम पे आपको उसको रिजेक्ट करना है और आपको क्या फॉलो करना है, इंटरनेशनल रूल्स को, जो बोलते हैं कि आपको ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना है फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस एंड ह्यूमैनिटी। इस टाइम पे भी आपको किसका ध्यान होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का। तो ये सारा कहाँ पर डिस्कस हुआ था, नूरनबर्ग ट्रायल्स में। एज अ स्टैंडर्ड फॉर फ्यूचर, अ स्पेशल कमेटी ऑफ द यूएन ड्राफ्टेड अ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉलोड बाय टू कोवेनेंट्स, कोवेनेंट जिसमें नहीं कहा कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। तो उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट किया एक डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है, फॉलोड बाय, और उसके साथ साथ दो अग्रीमेंट्स लेके आए थे। पहला अग्रीमेंट था ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, एंड सेकेंड वन वॉज द सिविल एंड पोलिटिकल राइट्स, और इनको रिकोगनाइज किया बाई दी मेंबर स्टेट्स ऑफ यू एन की, जो यूनाइटेड नेशंस की जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज। दस हैविंग कम थ्रू द हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ इंटर वॉर टोटलिटेरियनिज्म एंड द हॉरर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द पोस्ट वॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी जो आपकी यू एन है सेट्स इट्स ह्यूमन राइट एजेंडा थ्रू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सिंस देन द रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट बिहेवियर बिकेम सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी थ्रू द स्टैंडर्ड ऑफ UDHR। तो जब भी UDHR जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके थ्रू एक ये किया गया, एक एजेंडा सेट किया गया ह्यूमन राइट्स का, अब क्या करते हैं जो भी कंट्री है उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है कि क्या वहाँ पे ह्यूमन राइट्स फॉलो हो रही हैं कि नहीं, और कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स का। द चार्टर ऑफ यू एन परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्लियर है। इट कंसिडर्स कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डिपेंड्स अमंग अदर्स ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी क्लियर है, ये चीज मैंने आपको बताई। बट पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस दे एक्सप्रेस देयर डिटर्मिनेशन टू, वो एक्सप्रेस करते हैं कि हाँ हम डिटर्मिन है रीअफर्म करने के लिए फेथ किसमें, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स में जो कि दिए गए हैं सब वुमेन और मेन को, चाहे वो किसी भी कंट्री को बिलोंग करते हो छोटी या बड़ी। वन ऑफ द फोर पर्पजेज ऑफ यूनाइटेड नेशन इज द प्रमोशन एंड द एनकरेजमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन टू एनी सेक्स रेस सेक्स लैंग्वेज और रिलीजन, ये भी मैंने आपको कहा। आर्टिकल 55 एंड 56 ऑफ द चार्टर, यूएन मेंबर्स प्लेज टू मेक ज्वाइंट एंड सेपरेट एक्शन इन कॉपरेशन विद यूनाइटेड नेशंस फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, की जो यूनाइटेड मेंबर्स हैं, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स कौन सी होगी, आपकी वेरियस कंट्रीज, ठीक है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, डेनमार्क है, ग्रीस है, ये सारी कंट्रीज जो है ये मेंबर्स हैं यूएन के, तो वो ज्वाइंट या सेपरेट एक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो इन जो ह्यूमन राइट के गोल्स है उनको अचीव करने के लिए और काम कर सकते हैं इन कॉपरेशन विद द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। वो गोल्स कहाँ आपको ले जाते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन राइट्स को। सिंस ह्यूमन राइट्स जो हैं दे वर नॉट डिफाइंड इन द चार्टर, चार्टर इज नथिंग बट आपका कोई रिटन अग्रीमेंट, ठीक है, जिसपे आपके वो राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह सारी चीजें मेंशन हो। तो जो चार्टर ऑफ यूएन था जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात हुई थी रिगार्डिंग ह्यूमन राइट, उसको अभी तक इन्हें डिफाइन नहीं किया था फॉर द लैक ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की पॉसिटी की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। द टास्क ऑफ इलेबोरेटिंग उन चार्टर्स को, उन पॉइंट्स को इलेबोरेट करना वॉज लेफ्ट टू द जनरल असेंबली ऑफ यूएन, जिसको हम UNGAB शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो जो असेंबली है, अब उनके पास टास्क था, उनको जो भी ह्यूमन राइट्स की बातें चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस में मेंशन थी, उसको अब एक डिफाइन, एक डेफिनेट कैरेक्टर देना था और उसको
एक्सप्लेन करना था, पॉइंट बाय पॉइंट फॉर्मेट में उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना था. तो वो किसको काम दिया? जनरल असेंबली को. असेंबली ने क्या किया, इन्होंने उसी बात पे, उसी बेसिस पे इन्होंने अडॉप्ट किया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हम UDHR भी कहते हैं. वो कब किया? 10 दिसंबर 1948 में, जिसमें सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स दोनों इंक्लूडेड थे. सब्सिक्वेंटली द जनरल असेंबली हैज अडॉप्टेड मेनी कन्वेंशंस, कोविनेंट्स एंड डिक्लेरेशन, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज. ऐसा नहीं है कि एक बार ही चार्टर आपका बन गया तो वो बस फाइनल एक ड्राफ्ट तैयार हो गया और उसमें आगे आप एडिशन नहीं कर सकते. नहीं, ये जो प्रोसेस है इवॉल्व हो रहा है, और उसमें आप क्या करते हो, अभी भी ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट चीज होगी तो उसमें आप ऐड कर सकते हो, वो भी आपका इस चार्टर का पार्ट बन जाएगा. तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो भी एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट थर्ड के हमारे दो चैप्टर्स जो है 1 और 2 वो कवर हो जाएंगे. फिर यूनिट थर्ड के हमारे 3 चैप्टर्स ही रहते हैं. फाइन, UDHR कराने के बाद मैं वो आपका स्टेजेस एंड थियोरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो वाला वीडियो लेके आऊंगी. तो टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.